गोपू की होशियारी। गोपू एक होशियार लड़का था। वह चौथी कक्षा में पढ़ता था। उसका स्कूल बहुत बड़ा था और उसमें ढेर सारे लड़के पढ़ते थे। स्कूल में एक बड़ा खेल का मैदान था जो बाउंड्री से चारों ओर से घिरा था। गोपू को पढ़ाई के अलावा टीवी पर कार्टून देखना और हरे भरे बाग बगीचे तथा नदी की सैर करना बहुत भाता था। एक दिन गोपू मैदान में खेल रहा था, तभी उसे बाउंड्री के बाहर अमरूद से लदा पेड़ दिखाई दिया। पक्के पक्के मीठे अमरूद देखकर गोपू के मुंह में पानी आ गया। वह बाहर की हरियाली और पेड़ पौधों को भी नजदीक से देखना चाह रहा था। सभी बच्चे धीरे धीरे कक्षा की ओर चल दिए, परंतु गोपू अभी भी सोचने में व्यस्त था। वह सोच रहा था कि आखिर वह बाहर जाए भी तो कैसे, फिर क्लास में नहीं पहुंचने पर टीचर द्वारा पिटाई भी तो हो सकती थी। वह क्लास की ओर बढ़ने ही वाला था कि उसकी निगाह बाउंड्री के कोने पर पड़ी, जो थोड़ा थोड़ा टूट चुका था और नीचे ईंट रखकर सीढ़ी नुमा बना था। बस फिर क्या था, अंधे को क्या चाहिए, दो आंखें। वह जल्दी जल्दी बाउंड्री पर चढ़ दूसरी तरफ के पेड़ों से अमरूद तोड़कर खाने लगा। इस तरफ का दृश्य बड़ा ही मनोरम था। हरे भरे बाग बगीचे के साथ हरे भरे धान के खेत उसे पर बस ही लुभा रहे थे। बादलों के बीच से उड़ता हुआ हवाई जहाज उसे बड़ा ही रोमांचित कर रहा था। झुंड के झुंड चिड़ियों का आकाश में उड़ना और उनका कलरव करना उसे बहुत भा रहा था। गोपू से रहा नहीं गया और आंखें बंद कर वह स्कूल की उस बाउंड्री से बाहर कूद पड़ा। बाहर का दृश्य सचमुच ही मनोरम था। हरी घास, नीले पीले फूल और उस पर मंडराती तितलियां, यह तमाम नजारा उसे स्वर्ग सदृश लग रहा था। वह प्राकृतिक छटा को निहारता हरी घास के बीच से बने रास्ते से आगे चला जा रहा था। कुछ ही दूरी पर एक तालाब था। तालाब में ढेर सारी छोटी बड़ी मछलियां थी। गोपू सोच रहा था कि यदि वह घर से चने लेकर आता तो तालाब में मछलियों को खिलाने में बड़ा मजा आता। अभी वह कुछ सोच ही रहा था कि अपने पास एक बड़ी बड़ी मूंछों वाले हट्टे कट्टे व्यक्ति को खड़े पाया। गोपू डर के मारे भागने ही वाला था कि वह व्यक्ति उसका हाथ पकड़कर बोला, बेटा तुम्हें आम या अमरूद और चाहिए तो चलो मेरे साथ, मेरे पास ढेर सारे बगीचे हैं वहाँ। नहीं नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे तो अपने घर जाना है, डरते हुए गोपू बोला। हा हा हा, उस मूछे वाले व्यक्ति ने जोर का ठहाका लगाया और बोला, मुझसे छूट पाओगे तब तो घर जाओगे ना बच्चू। अंकल प्लीज मुझे घर जाने दीजिए, गोपू अपनी बाह छुड़ाते हुए विनती के स्वर में बोला। उस व्यक्ति पर गोपू की विनती का कोई असर नहीं हुआ और वह उसे गोद में उठाकर आगे वाली पहाड़ी की ओर चल पड़ा। उस व्यक्ति की पसीने की बदबू और मजबूत भुजाओं से जकड़ा गोपू अपनी नादानी पर पछता रहा था। तभी उसे पंचतंत्र की कहानियों से मिली सीख याद आई। यदि मुसीबत आ जाए तो बिल्कुल भी घबराना नहीं चाहिए, बल्कि मुसीबत से बाहर निकलने का उपाय करना चाहिए। अंकल प्लीज मुझे नीचे उतारिए, मेरे हाथ पांव दुख रहे हैं, गोपू बोला। अब आप जहाँ जाएंगे मैं भी साथ साथ चलूंगा। शाबाश बेटे, गोपू को नीचे उतारते हुए मूंछ वाला व्यक्ति बोला, सचमुच तुम होशियार हो। परंतु अभी भी गोपू का हाथ उस मूंछ वाले व्यक्ति के हाथ में फंसा था। तेजी से चलता हुआ गोपू सोच रहा था, पता नहीं यह व्यक्ति डाकू है, चोर है या फिर बच्चा चोर। सुना है बच्चा चोर बच्चों को बेच देते हैं और वह हाथ पैर काटकर या फिर आंखें निकालकर बच्चों से भीख मंगवाते हैं, ढाबे फैक्ट्री आदि में काम भी करवाते हैं। पहाड़ी के पीछे पहुंचते ही गोपू की आशंका बिल्कुल सच निकली।
वहाँ 10-12 बच्चे पहले से बैठे थे। सभी के चेहरे भूख प्यास से पीले पड़े थे। बच्चा चोर गिरोह का मुखिया उन बच्चों की देखभाल कर रहा था। अंकल, ये बच्चे कौन हैं? गोपू ने मासूमियत से पूछा। ये सभी बच्चे चुरा कर लाए गए हैं और कुछ ही दिनों में बेच दिए जाएंगे, मूछों पर ताप देते हुए वह व्यक्ति बोला। बस इतने ही बच्चे? गोपू बोला, मेरे पास जो तरकीब है उससे तो एक ही दिन में इतने बच्चे आ जाएंगे। क्या? मूछ वाला व्यक्ति आश्चर्य से बोला, क्या तरकीब है, मैं भी तो सुनूं जरा। गोपू ने उस व्यक्ति के कान में तरकीब बताई, जिसे सुनकर मूछ वाले व्यक्ति के चेहरे पर गहरी मुस्कान खिल गई और फिर अगले ही पल दोनों वापस स्कूल की बाउंड्री की ओर तेजी से बढ़ने लगे। बाउंड्री के पास पहुंचकर गोपू ने उस व्यक्ति से उसे ऊपर चढ़ाने के लिए कहा। तुम मुझे धोखा तो नहीं दोगे बच्चू? गोपू को ऊपर चढ़ाते हुए मूछ वाला व्यक्ति बोला। बिल्कुल नहीं अंकल, आप सिर्फ 5 मिनट इंतजार करें, मैं अभी 10-12 बच्चों को बहला फुसला कर लाता हूँ, ग्राउंड में कूदते हुए गोपू बोला। तेजी से दौड़ता हुआ गोपू पहले अपनी कक्षा में पहुँचा। टीचर की नजर उस पर पड़ते ही जोर की डांट पड़ी। गोपू ने धीरे से इशारा कर टीचर को अपने पास बुलाया और कान में सारी बातें बता दी। तब टीचर और गोपू सीधे प्रिंसिपल साहब के पास पहुँचे। वहाँ किसी केस के सिलसिले में इंस्पेक्टर साहब पहले से ही दल बल के साथ बैठे थे। टीचर ने प्रिंसिपल को सारी बात बताई। प्रिंसिपल को जब सारी जानकारी मिल गई, तो उन्होंने टीचर और गोपू को धीमे स्वर में कुछ समझाया और फिर तुरंत इंस्पेक्टर साहब के साथ अपने ऑफिस से निकलकर स्कूल से बाहर चले गए। प्लान के मुताबिक गोपू 10-12 बच्चों के साथ टूटी हुई बाउंड्री के पास पहुंचा और एक एक बच्चे को उस मूछ वाले व्यक्ति की सहायता से नीचे उतारने लगा। टीचर और गोपू ने उन बच्चों को सारी बात पहले ही समझा दी थी। अभी बच्चे नीचे उतर ही रहे थे कि पुलिस की गाड़ी पहुंच गई। गाड़ी आते देख मूछ वाला व्यक्ति सब कुछ समझ गया और वहाँ से भागने लगा। भाग कर कहाँ जाओगे अंकल? उसके पैरों में लटकते हुए बच्चों ने कहा। बस फिर क्या था, अगले ही पल वह मूछ वाला व्यक्ति मुंह के बल धड़ाम से गिर पड़ा। अब तुम लोग रहने दो बच्चों, इंस्पेक्टर साहब उसे हथकड़ी पहनाते हुए बोले, इसकी खातिरदारी तो अब हम करेंगे, इसे जेल में डालकर। फिर पुलिस की गाड़ी में हथकड़ी पहने मूछ वाले व्यक्ति को लेकर सभी उस पहाड़ी के पीछे पहुँचे। सारे बच्चे मुक्त करा लिए गए और उन्हें अपने अपने माता पिता के पास भेज दिया गया। मूछ वाले व्यक्ति और उसके मुखिया को जेल की हवा खाने हेतु जेल भेज दिया गया। अगले दिन सभी बच्चों में गोपू के ही नाम की चर्चा थी। न केवल स्कूल बल्कि पूरे शहर में गोपू की होशियारी एक चर्चा बनी हुई थी। इस अवसर पर प्रिंसिपल साहब ने स्कूल में एक विशेष समारोह का आयोजन करवाया। गोपू को इनाम प्रशस्ति पत्र दिए गए। भाषण का आयोजन किया गया। जब प्रिंसिपल साहब का भाषण समाप्त हुआ तो गोपू उनके कान में धीरे से बोला, सर मेरी आपसे प्रार्थना है कि उस कोने पर टूटी हुई बाउंड्री की मरम्मत अवश्य करा दीजिए, अन्यथा फिर कोई बच्चा स्कूल से भागने की गलती कर बैठेगा। हाँ हाँ जरूर गोपू, मैं कल ही उस जगह की मरम्मत करवाता हूँ, गोपू को आश्वस्त करते हुए प्रिंसिपल साहब ने कहा।